अरे कहां से खरीद लिया इतना कुछ? जरूर सारे पैसे खर्च किए होंगे, सेल लगी हुई थी वहां पर। दादी आज तो कमाल ही हो गया, आपको पता है मुझे शॉपिंग मॉल में कौन मिला? आरेस, अरे जेबू का कजन, वो जो अमेरिका से आया है। दादी उसने तो मेरे सारे बिल दे दिए, मैंने शॉपिंग भी कर ली और मेरा कोई पैसा भी नहीं लगा। अरे वाह, ये जेबू का कजन तो बड़े कमाल का लड़का है। जी दादी, मैं टैक्सी में घर आ रही थी, कहता नहीं 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 आप टैक्सी में नहीं जाएंगी, मुझे खुद ड्रॉप करके गया। अच्छा, आना। से करता क्या है ये? दादी जॉब करता है, बहुत अच्छी जॉब है उसकी, और आपको पता है रिश्ते में जेबू का जेठ लगता है। अगर ये लड़का इतना ही कमाल का है, सखी है, दिल वाला है, तो बेटा उससे शादी की बात चला। दादी ये क्या कह रही हैं आप? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा मैं, तुम्हें तो वैसे भी जेबू का खानदान पसंद है ना, और ये लड़का आरेज तुम पे इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहा है? देख बेटा, मुझे तो लगता है कि वो तुझसे मोहब्बत करता है, पसंद करता है तुझे। नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता है? जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो। लेकिन दादी वो तो जेबू से प्यार करता था, और फिर जेबू उसने फवाद से शादी कर ली। देख बेटा, अब तो रिश्ता बदल गया ना है भाई, वो तो उसको पसंद ही नहीं करता था, और फिर ये दोनों कजन्स हैं, कजन्स में दोस्ती वोस्ती तो हो ही जाती है ना। वो तुम्हें पसंद करता है, मैं तो कहती हूँ इस लड़के को हाथ से ना जाने दो, उसे कहो कि अपने घर वालों को रिश्ते के लिए लेकर आए। दादी सही कह रही हैं, आरेश ने तो इतना कुछ खरीद कर दे दिया, मैं मना भी करती रही, दो चीजें लेने गई थी इतना कुछ ले आई। आरेश तो बहुत ही सफी है, पैसा भी है उसके पास और दिल भी। फवाद ने तो मुझे कभी तवज्जो ही नहीं दी थी, और आरेश कितना अच्छा है, फवाद ना सही, आरेश ही सही।